दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एयरफोर्स XY ग्रुप की जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है उसके लिए आप लोगों के एज लिमिट बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की एज ओवर हो चुकी है ड्यू टू कोविड एंड जो वैकेंसीज नहीं आ रही हैं एंड रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की एज ओवर हो चुकी है बट फिर भी उन्हें पता नहीं है और वो एयरफोर्स के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। सो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे तो मैंने सोचा एक वीडियो में बता देता हूँ कि क्या एज लिमिट रहने वाली है। सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आप सबको पता है एयरफोर्स का रिजल्ट का कुछ आता पता नहीं है, इनरोलमेंट का भी कुछ आता पता नहीं है, कुछ भी कोई सटीक इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ रही है, कुछ भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है, वही एक अपडेट वही पुराना रिपीट कर देते हैं बार बार। तो पिछले जो कुछ कैलकुलेशंस के हिसाब से जो एज लिमिट बनने वाली है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जो विजिट कर रहे हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अपना टेलीग्राम चैनल जो जेन्युइन बैंक के नेम से है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर सर्च करेंगे तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ पर आप डाउट क्लियर पूछ सकते हैं। पब्लिकली ओपन ग्रुप है सो आप वहाँ पर अपने चैट कर सकते हैं एंड मुझे वहाँ पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो आते हैं वीडियो के टॉपिक पे, जो आपकी एज लिमिट है एयरफोर्स का, जो डाउट था कि एयरफोर्स का रिजल्ट, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि एयरफोर्स के रिजल्ट्स रिगार्डिंग कोई अपडेट मेरे पास नहीं है एंड किसी के पास भी नहीं है। जो ऑफिशियल अपडेट आया है वही है, सो उसमें कुछ भी क्लियर नहीं है तो मैं आपको कुछ भी क्लियर नहीं कह सकता हूँ कि कब तक रिजल्ट आ जाएगा। बट अब आई होप कि रिजल्ट जल्दी आ जाए जिससे आगे की वैकेंसीज एंड आगे का प्रोसीजर भी कम्प्लीट हो। सो वे देखते हैं कब तक रिजल्ट आता है। आज बात करते हैं वैकेंसीज़ की, जो नेक्स्ट वैकेंसी अगर आएगी तो उसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है। देखो, सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि रिज़ल्ट कब तक आता है। दो तरीके हैं इसके। अगर रिज़ल्ट आपका अभी आ जाता है जल्दी, अगर फरवरी में आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो आपकी नई वैकेंसी भी जल्दी आ जाएगी। तो अगर नई वैकेंसी जल्दी आती है तो आपकी जो एज लिमिट है वो जनवरी से काउंट होगी, यानी जनवरी 2002 से काउंट होगी। अगर जनवरी 2002 के बाद अगर आपका जन्म है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। एंड अगर आपकी जो वैकेंसीज़, यानी कि आपका रिज़ल्ट अगर लेट हो गया, सो अगर लेट में वैकेंसी आती है तो फिर आपकी जो यही जो डेट ऑफ बर्थ है वो जुलाई 2002 से कंसीडर की जाएगी, यानी 2002 से 2005 के बीच में। तो अगर 2002 से 2005 के बीच में है तो आप एलिजिबल होंगे जुलाई के बाद, लेकिन अगर जुलाई से पहले हैं तो आप, थोड़ा सा डाउट है अगर वैकेंसी जल्दी आती है। रिज़ल्ट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, रिज़ल्ट कितनी जल्दी आता है एंड रिज़ल्ट के बाद वैकेंसीज कितनी जल्दी आती हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि ये इनटेक यहाँ पे अभी कोई वैकेंसी ही नहीं आई है। तो इनटेक फर्स्ट में जनवरी से काउंट होता है बट इनटेक सेकंड में आपका जुलाई से काउंट होता है। तो अगर लेट होता है तो इनटेक सेकंड आएगा सीधा, इनटेक वन फिर से आपका कैंसिल हो जाएगा। सो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि जो स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा गलत ये हो रहा है कि यहाँ पे अब जैसे कोविड आ गया, ठीक है, अब कोविड आया तो कोविड में स्टूडेंट्स की तो कोई गलती है नहीं। स्टूडेंट्स की क्या गलती है? आपने नई वैकेंसी नहीं रिलीज़ की एंड इनरोलमेंट नहीं दिया, रिज़ल्ट नहीं दिया, तो इसमें स्टूडेंट की तो कोई गलती है नहीं। बट फिर भी यहाँ पे स्टूडेंट को कोई एज रिलैक्सेशन की बात नहीं कही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कोविड आया तो स्टूडेंट्स की तो कोई गलती है नहीं, स्टूडेंट्स ने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स किए बट एज रिलैक्सेशन उनको नहीं मिलेगा, आपने वैकेंसी नहीं दी तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं कर सकता। बट यहाँ पे रियलिटी यही है कि आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला। 90% चांसेस है कि आपका एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी कोशिश कर ली है एंड बात भी उठाई है बट एज रिलैक्सेशन का कोई भी कहीं भी इशू नहीं आया है। रैली भर्ती भी हुई है, आप सबको पता होगा, काफ़ी ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा गलत है स्टूडेंट्स। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है कि स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ है या फिर नहीं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ओपिनियन अपना। एंड मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है इसमें। कोविड आया नहीं आया, आपने वैकेंसी दी नहीं दी, स्टूडेंट्स ने तो अपनी पूरी तैयारी की, एग्ज़ाम दिया बट आपने रिजल्ट नहीं दिया, तो उसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। आप लोगों का इस पे ऊपर क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आई थिंक आपका जो एज लिमिट वाला इशू है वो क्लियर हो गया, बट ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं न्यू आपका जो रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट जब तक नहीं आएगा, रिज़ल्ट से पहले आपका इनरोलमेंट आएगा, इनरोलमेंट के बाद आपका रिज़ल्ट आएगा एंड देन आपका उसके बाद न्यू वैकेंसी आएगी। तो अगर रिज़ल्ट जल्दी आता है तो आपकी एज लिमिट जनवरी से काउंट होगी, नहीं तो आपकी जुलाई से काउंट होगी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एंड कोई अगर अपडेट आती है तो चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो चैनल से जुड़ जरूर जाना, सब्सक्राइब कर लेना।
एंड आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, ऑफर है, तो चलते हैं उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे। सो गाइस इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए ये है कि अनअकैडमी पे बम्फर ऑफर चल रहा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर आप 12 मंथ्स का एनडीए का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 12 मंथ का एसएसबी का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री दे दिया जाएगा। एंड अगर आपका 24 मंथ्स का यानी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं प्लस का, तो आपको 4 मंथ्स का एक्सटेंड सब्सक्रिप्शन आपको भी दे दिया जाएगा। तो ये स्पेशल ऑफर 8 से 10 फरवरी के बीच अप्लीकेबल रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे नाइटिंगल MNS बैच भी 60 डेज क्रैश कोर्स यहाँ पे लॉन्च किया गया है, सारे एजुकेटर्स आपकी स्क्रीन पे हैं। इसके अलावा यहाँ पे NDA 1 के लिए भी क्रैश कोर्स यहाँ पे लाया जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। 9 जनवरी से एंड 30 मार्च तक आपका चलने वाला है। एंड आपको यहाँ पे सबसे अच्छी सुविधा है कि आप पुरानी सारी क्लासेस भी देख सकते हैं, जो भी डाउट क्लियरिंग क्लासेस हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कंडक्ट कराई जाती हैं एंड आपके डाउट यहाँ पे क्लियर कराए जाते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। एनडीए 1 2022 के लिए बैच यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, जो कि क्रैश कोर्स है। सो सारे एजुकेटर्स आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको लिंक करना क्या है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे मंथ कोड चूज कर सकते हैं, जितने मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। फिर आपको यहाँ पे हैव अ रेफरल कोड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ GM10 टाइप कर देना है तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। आप जितने मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे उसमें आपका 10% की छूट मिल जाएगी। सो जाइए अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। सेम यही आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए एंड कोस्ट गार्ड नेवी के लिए भी कर सकते हैं। आपको जिस मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहिए आप वहाँ पे चूज करके GM10 यूज़ करेंगे, GM10 यूज़ करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं होता सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।